गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरु जी वही बात फिर बताओ हैं। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती है, सब्जी में फिर बदले का दीवार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। ऐसे ही ये ज्ञान है, जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको ये पाप कर्मों के कारण बुखार जबर बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए, किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया और फिर उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, कती कुनीन से भी बुरी, नीम से भी ज़्यादा कड़वी, मनुखा दाख भी कड़वी। अब ना मनुखा दाख कड़वी है ना रोटी कड़वी है। अब उसके बुखार की ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी और ना चाहते भी फाका मारना पड़ेगा। तो उस कड़वी कुनीन से आपका मलेरिया उतरेगा, बुखार उतरेगा, फिर धीरे धीरे रोटी आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और जब बुखार आपका जबरकति समाप्त हो जाएगा, फिर सूखी रोटी भी समय पर आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। दोनों टाइम सब्जी हो या ना हो तो आप स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार यहाँ जो आप सत्संग सुनते हो, अब वही ज्ञान है, वही सत्संग है, वही भगवान है। इसको बार बार आपको सुनाया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा मैला हो जाता है तो रोजाना वही साबुन और वही पानी रोज सुबह उसको धोते हैं तो स्वच्छ हो जाता है। तो आप कपड़ा हो और ये दास धोबी है, तो आपको आपके अंतःकरण को इसी तरीके से डेली धोना पड़ता है। आपने कितनी बार सत्संग सुन रखा है, लेकिन आप जैसे समाज में जाते हो वहाँ आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुए बिना रह नहीं सकता। और जब यहाँ सत्संग सुनोगे ये साबुन पानी फिर लगेगा, आपको कई दिन तक आपके हरदम या उमंग बनी रहेगी। अगर गुरु जी ने बात तो सच्ची बताई है तो बात कति बिगड़ी पड़ी है, यानी कई दिन असर रहेगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, तो कई दिन आपकी अब बैटरी फिर चार्जर ही रहेगी, फिर इतने फिर आ जाओगे फिर चार्जर ला जाएंगे, यानी ये ऐसे ही चलेगा, आजीवन चलेगा। और कुछ दिनों के बाद परमात्मा आप पर इतनी मेहर करेगा कि आप काल की जमानत होते यहीं भागोगे और कहीं नहीं जाता होगे, यहीं भाग जाओगे। इब तो थोड़ी बहुत गलत जगह प्रयोग भी कर लेते हो परमात्मा की जमानत से, फिर जब सही ज्ञान हो जाए फिर आप कितना नहीं रुक सकते, कितने भी दिल ना लगा आपका, ये बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल रसरीत, कह कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। कि जहाँ पर एक ही तो ज्ञान हो, एक ही जैसा भगवान, एक ही तरह के उनके विचार हों, वहाँ जाने से आपकी एक विशेष कसक बनी रहेगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। इव जैसे आप चले जाते हो दूसरों के सत्संग में, हम इसलिए मना करते हैं कि वहाँ जाने से आपको हानि हो सकती है। जैसे आप किसी के सत्संग में जाते हो और वो कुछ और ज्ञान सुनाते हैं, जो दृढ़ भक्त हो चुके हैं, ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो मार तो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें आनंद एक आने का नहीं आओ उनकी बात में, तो टाइम में वेस्ट कराया। और जो कच्चे भगत चले जाएंगे तो वो उनको भरमा देंगे, मारी करी कराई में न जाओगी। इसलिए हम ये आपको इसलिए मना करते हैं कि दूसरे के सत्संग में जाने से आपको हानि उठाओगे, क्योंकि वो सत्संग को नहीं,
और मान लीजिए इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और ये मंत्र प्राप्त करके कोई नकम्मी आत्मा पर गुरु बन बैठा और नाम देन लाग जाए, यू ज्ञान सुना लाग जाए, उसको अधिकारी को नहीं तो भी आपके लिए वो खतरा जान का है, वो आपको लाभ नहीं दे सकता, वो अधिकारी नहीं है उपदेश देने का। तो इसलिए दास आपको बताता है क्योंकि आपको उनके सत्संग यही सुना देता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ ज्ञान, देखो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, इन्होंने ऐसे ज्ञान सुनाया, जैसे सुबह राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाला का सुनाया था, दिखाया था आपको, वो के वचन करते हैं सारे उठ पटांग, तो सत्संग नहीं है वो, तो इस जीवन को जीव को भ्रमित करने के लिए, विनाश करने के लिए जीवन को एक अड़ंगा ज्ञान है। तो यह परमात्मा बताते हैं कि नरसेती तू पशुआ की जय दी जय बैल बना और छप्पन भोग कहा मन भोरे की तकुरड़ी चरने जा। फिर क्या बताते हैं, प्रेत शिला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई और बहुत श्राद्ध खान कुमाए फिर काग भय कलमाई। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला था कि 13वीं किस लिए मनाई कि इसकी गति करवावांगे, फिर फूल उठा के ले गए, अस्थि उठा करके गंगा में जाकर बहाई किसी पंडित यानी गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र करवा के, किस लिए कि तेरे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, माता जी पिताजी कोई भी अच्छा इसकी गति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, महीने मनाए, वर्षोधि बनाई, वर्ष वर्षी, और फिर हो गए ये श्राद्ध शुरू। अब श्राद्ध किए मान लीजिए आपके पिताजी पहले 365 दिन आहार किया करते थे, 365 दिन दो दो वह और तीन तीन बार भी खाते थे, चाह पानी भी पिया करते। अब इन नकलियों ने के बना दिया कि जिस तिथि को अठम छठ सातम दूज चौथ को जो भी जिस दिन आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी वो फिर आसोज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, एकम से लेकर अमावस्या से लेकर पूर्णवासी तक। इन 16 दिनों में से किसी भी तिथि को मृत्यु हुई हो उसी दिन उसके नाम ते श्राद्ध करवा दे। श्राद्ध कैसे करते हैं, गुरुजी आते हैं घर पर, आप पर रोटी बनाते थे पहले वो, क्योंकि दूसरे ना स्वच्छ नहीं मानते थे, और आप पर अच्छा गिच घी गेरे देसी, आप बढ़िया हलवा ठोकें, बढ़िया खीर बनावें खूब दूध की। और वो क्या करते थे, कहते थे पहले थोड़ा सा निकाल कर उस भोजन में से कहते ऊपर रख दो, परिवार वालों को कहते थे छत पर रखाओ, और फिर कहता देखना कौवा आ गया और भोजन खा गया, तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो, कौवा बन गए हैं और कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पिताजी को भोग लग गया, यानी ये तेरा पिताजी कौवा बन गया। अब पुण्य आत्माओं कहां से गति करान लागे थे, पिताजी को कौवा बना के छोड़ दिया, बोला तेरा पिताजी हो सकता कौवा बन गया हो और इसको भोग लग गया। अब श्राद्धों के दिनों में देखे सबके घरों पर कौवे मंडराते दिखेंगे, और जब घर पर कौवा ना हो तो बाहर रखा कि तो कौवा ने खुआ का, जब तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गए। आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर में, वो किसान परिवार में जन्मे थे, उनको परमात्मा कबीर जी आए थे, उनको सतलोक सचखंड लेकर गए थे उनके आत्मा को, फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने सब शास्त्र विद साधना त्याग दी थी और अपने जो उनके अनुयायी शिष्य बने थे उनको भी उनसे भी छुड़वा दी थी। एक भक्त उनका जो अनुयायी था यानी भगत था शिष्य था, वो एक वो प्रतिदिन आता था उनके पास शाम के समय या सुबह अवश्य दर्शन देने आता था करने आता था। एक दिन वो सारा दिन नहीं आया और अगले दिन भी ना आया। जब वो दो दिन नहीं आया तो तीसरे दिन जब पहुंचा, गरीबदास साहेब जी ने जैसे स्वाभाविक पूछ लेते हैं कि भाई बच्चा कल ना आया क्या बात थी, कुशल तो है या कहीं दूर देश में रिश्तेदारी में चला गया था, तो उसने बताया कि नहीं जी
कहीं नहीं गया था। आज कल परसों तो मेरे पिताजी का श्राद्ध था और कल मेरी माँ का, और परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी कहा करते थे भाई ये पूजाएं ना करो, श्राद्ध श्रुद्ध मत निकाला करो, इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन नाम तो उस एक ने ले रखा था, घरवाले मानने नहीं, घना दबाव दे दिया। तो वो कहने लगा जी मेरी चली नहीं गुरु जी, मेरे जो परिवार के सदस्य थे वो नहीं माने, भाई भाभी और मेरी पत्नी और भी जो कुल के लोग थे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे कोई लाभ तेरे को होगा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब परमात्मा बोले न्यू कर, ऐसे करना कल सुबह तू दो व्यक्तियों का भोजन बनवा ला, बना लेना बढ़िया जी साहब, तुम बना के लाओ, और तेरे ओरिजिनल माता पिता को खिलाएंगे। अब उस भगत का विश्वास था अपने गुरु जी की बातों का, उसने अगले दिन बहुत साफ बढ़िया भोजन बनाया, खीर खीर का ही ज़्यादा अच्छा भोजन मानते हैं, खीर बनवाई, रोटी बनवाई और सब्जी ले आया गुरु जी के पास। परमात्मा को गरीबदास जी बोले एक चाल, वो भी किसान था, उनके खेतों में एक छोटी सी जोड़ी तलैया थी, छोटा सा तालाब जलाशय सब वहाँ होता था। पहले गांव में खेतों में छोटे छोटे तालाब बना लेते थे कुछ क्षेत्र में, फिर दूसरे क्षेत्र में छोटा सा तालाब बना लेते थे, वर्षा का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था, फिर सारे उसमें वर्ष में उससे अपने खेतों में पशुओं को पानी पिलाते थे। तो उस तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े ये बहुत से ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती थी सब तय, और वो अच्छा बनसा बन जाता था उसके 20 30 50 फुट की चारों तरफ 20 फुट। तो वहाँ से उस तालाब से एक एकड़ की दूरी पर 200 फुट की दूरी पर गरीबदास जी बैठ गए, और जो साथ उनका शिष्य गया था उसको भी बैठा लिया और कहा भाई खोल दे इस तेरे माता पिता के भोजन को, तेरे माता पिता भोजन करना होंगे। अब उसने दो स्थानों पर दो थालियों में भोजन डाल दिया न्यारा न्यारा। परमात्मा ने कहा उसके माता पिता का नाम लेकर के आओ भाई आ जाओ भोजन पालो, तुम्हारे बेटा तुम्हारे लिए भोजन लाया है। तो उसमें से एक गिद्दड़ और एक गिद्दड़ी वो दो निकल कर आए उस बोझ डैमत उन झुंडों में से निकल कर आए, और आकर के दोनों जने एक एक थाली में खाना खाने लगे। परमात्मा ने उनके ऊपर हाथ रख के कहा गरीबदास साहिब जी ने कहा कि यह तो तेरी माँ से बेटा और यो तेरा बाबू, और पंडित जी खा गया दड़ी पक्का ले गया थरे करते हैं, क्या ये छक गए भाई, अभी न रोज खवा दिया अगर तू यहाँ आके रोज खीर खिला, जब देखो कि साग बेटा है तो किस पे खिलाई जा, रोज खीर तो घर बाबू माता पिता जीवित हो तो भी ना खिलाई जा, और वो तो फिर गादड़ गादड़ी थी वो अगले दिन चली गई इधर उधर, वो नहीं उसको कहने का भाव ये है कि ऐसी आँख खोल दी। उसके बाद उसने कान पकड़ दिया उस व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव या तो कति चौंध लाग रही है हमारा, कति भूल पट रही है परमात्मा, बता माँ बाप गादड़ गादड़ी बन रहे, वो पंडित जी छक्के वहाँ ग्रह बैठ के, और नो कहा कौवा तेरा बाप बन गया होगा, फिर कौवा बाप बन गया उसका क्या ठेका ले रहे हैं। कहते तो वो पहले सदभक्ति करते अपना ठीक ठिकाना चले जाते उनका पीछा छूट जाता। तो इस तरह की साधनाएं करवा कर हमें कौवे भी न बनवाए नकली गुरुआ ने, शास्त्र भी साधना करवा के आप भी करवाई, हमारे पूर्वजों से भी करवाई, फिर हमसे भी करवाई, श्राद्ध निकलवाए, वो शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने से फिर हम भी भूत बन गए। पुणात्मा ये तो कोई रजा हुई है परमात्मा कबीर देव जी के अपने ऊपर। एक रुचि नाम का ऋषि था, रुचि नाम का, और वो वेदों को पढ़ता था, उस वेदों में कहीं पर भी ये श्राद्ध निकालना नहीं लिख रहा। खैर इनकी पूजा मना कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है जो भूत पूजेंगे वह भूत बनेंगे, ये श्राद्ध निकालना 13वीं वर्षी करना
ये पिंड भरवाना, ये भूता ही पूजा है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। श्राद्ध निकालना पितरों की पूजा, और भाई देव पूजने वाले देवताओं के पास चले जाएंगे, उनके नौकर लगेंगे वहाँ पर। और मेरा पुजारी ब्रह्म का साधक ब्रह्म लोक में कहता है मेरे पास आ जाएगा। तो ये साधना भी हमारे से गलती ना होने करवाई, वेदों मना किया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं, अभी एक रुचि नाम का ऋषि था, वो वेदों को पढ़ा उसने, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि एक परमात्मा की साधना करने से मोक्ष होगा, अन्य कोई पूजा करने से कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रमण करो, विशेष कसक के साथ श्रमण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान करके विशेष उसका श्रमण करो। तो ऐसे इन्होंने एक परमात्मा कि उसकी साधना से मोक्ष होगा, ये तो निष्कर्ष निकल गया। लेकिन वो परमात्मा एक है कौन, ये इनको नहीं पता लगा ऋषियों को, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। इसलिए ने अपने निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मान लिया, जबकि ये ब्रह्म का है, पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। वो तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत् सत केवल ये इस मंत्र के जाप करने का निर्देश है। ओम तो ब्रह्म का है, तत् सत ये सांकेतिक है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का है, ये दो गुप्त मंत्र हैं, ये दास बताएगा, ये तत् सत नहीं है। तो उसने दृढ़ निश्चय किया, ना शादी करवाई रुचि ऋषि ने, और 40 साल की उम्र होगी। तब उसके चार पितर दिखाई दिए पिछले, पिताजी दादाजी तीसरा दादाजी चौथा दादाजी, वो सारे भूत बन रहे पितर। उन्होंने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, और शादी करा के हमारे सरहद निकाल, ताकि हमारी दुर्गति बचे, हम दुखी हो रहे हैं। अब रुचि ऋषि कहने लगा कि पितामहो, वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया है, मूर्खों की साधना बताई है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। अब पितर भी कहते हैं कि हाँ बेटा, ये ऐसा तो है कि वेद में तो ये अविद्या ही लिखी है, फिर भी अपने सट्टे मारे हैं कि तू जरूर कर, नहीं तो तेरा पतन हो जाएगा और ये हो जाएगा, और डरा दिया। फिर उसने पंगा पाया, फिर कहने लगे मान ले मैं ब्याह भी करवाऊँ तो आधी उम्र का होगा, 40 साल का मैंने लड़की कौन देगा। फिर पितर कहने लगे तू तपस्या कर ले, हैं देख उसके कर्म फोड़ दिए, पत्नी प्राप्ति के लिए उसने फिर तपस्या करी। फिर कहते जल में से एक औरत आई, वो अपनी लड़की को साथ ले आई और कहने लगी रुचि मैं तेरे से इसकी शादी करती हूँ। जब रुचि ने उसके ब्याह करवाया, फिर वो उसके श्राद्ध काटे, वो भी भूत बनवा दिया। बताए न के फूक है। अब देखो ये मारकंडे पुराण देखिएगा, मारकंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 142-43 पृष्ठ पर देखिएगा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा, 242 पृष्ठ। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं ब्राह्मण, बात है पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते थे और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं
मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों तथा अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा तो परिग्रह शून्य चितवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा सदसना रूपी जल में प्रक्षालन करें। ये क्या कह रहा है कि ये पितर तो न्यूक है, इसने बुढ़ोवा है कि ब्याह नहीं करवाया था, तू पाप का भागी हो जाएगा, ये पुण्यमय कर्म है और तेरा आगे भी कलेश होगा, रिब्बी भी कलेश बिना ब्याह के। और यूँ रुचि ठीक कह रहा है कि ब्याह है सबसे बड़ा कलेश है, इसको लिए मेरे प्रेरणा कर रहे हैं और परमात्मा पाने के लिए तो इन सभी विकारों से उल्टा हटकर ही साधना की जाती है, जैसे इसने अपने विचार बताए। और फिर पितर क्या कहते हैं देखियो, इनका उद्देश्य यही था कि इसने भी फंसावा। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु बता, पितर भी कहे कि बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है, यानी तेरा कल्याण हो जाएगा इस तो, किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभाशुभ उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार आगे देखो, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोग कर ही अक्षीण होता है। अब यहाँ तक ये कह रहे हैं कि उससे भी शुभ पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है, और यहाँ तुरंत कह रहे हैं कि जन्म पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। यानी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तू जो हम बताऊँ ऐसे कर लेगा तो तेरा अशुभ कर्म दूर होता है, और ये यहाँ नो कहे हैं अगर पूर्व जन्म में जिसा किया है उसको तो भोगने से ही, यानी सुख भी भोगने से खत्म होगा और दुख भी भोगने से ही खत्म होगा। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर उन थारा शर रह गया, जब तुम भी मानो हैं, ये देखो इसके पितर, ये देखो ये पितर बुढ़ा रखे चित्र भी, ये तीनों ब्राह्मण थे ऋषि, आप तक कर्म फोड़ गए, इस बेटे ने फंसाने के लिए डरा दिया और फिर उनके वचन सुना दिए। ये बेचारा इनके कुसंगत को असत्संग को सुनकर ये भी डगमग हो गया, जबकि ये ठीक विचार पर चल रहा था। आप पितर भी मान रहे हैं कि जो कर्म कांड है श्राद्ध आदि निकालने, ये है तो मूर्खों की पूजा,
और प्रोचि ऋषि कह रहा है कि वेद में भी इसको अविद्या कहा है, मूर्खों का साधना बताई, और पितृ भी मान रहे हैं कहा इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह तो सच बात है, लेकिन फिर भी ऐसा है पितृ ये कर देते हैं, अरे आप भूखे मरे, अनुगे पितृ पता नहीं क्यों लाभ दे देंगे, टट्टू लाभ दोगे तो तुम भूखे मरो। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे दिख के चीना लग जइया। यहाँ क्या करते हैं, जैसे भी कोई किसी का इष्ट धाम है जहाँ की वो पूजा है वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, एक नाई बैठा होता है और छोटे बच्चे के बाल उतरवाया कर वहाँ पर, बाहर 2 रुपये में बाल कटते होंगे तो 10 रुपये लिया कर नाई, क्यों पता है कि तो जाँ को नहीं जल्दी में है फटाफट, और 5-4 बाल काट के और 5 रुपये 10 रुपये ले लेगा, और उन बालों को क्या करती है तो बुढ़िया अपनी पुत्र वधु को साथ ले जाती है, और साथ में नवजात बालक बेटा या पोता या पोती होती है वो उनको लेके जाते हैं, और वहाँ क्या कहती है उस नाई के को जो नाई बाल काट रहा होता है, बुढ़िया 3-4 बार कहेगी भाई देखिए रे नाई के ध्यान से कहती चलाइए कहते मेरे पोते के या पोती के कैची ना लग जा कच्चा सिर से, भाई ध्यान से चलाइए कैची को। और परमात्मा क्या बताते हैं, अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं कि अपने बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची लगने का भी भय कदे बच्चे का दर्द ना हो जाए, और एक बकरी का बच्चा लेके और वो बैठ चढ़ा दिया माता के, वो कटवा दिया उड़े वहाँ से उसकी गर्दन कटवा दिया, अपने बच्चे को तो इतना प्यारा मानती है और दूसरे का बच्चा कटवा दिया, और फिर अपने बच्चे की तो खैर भी मानती है, कभी नहीं हो सकती से जुल्म ते परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, दूना पाप बढ़ा दिया। फिर क्या करते हैं कि उन बालों को वह बुढ़िया चढ़ा कर फिर मंदिर में, और वहाँ से पुजारी उठा के उसने एक कट्टे में डाल देगा बोरी में, और श्याम ने कुरड़ियाँ पे फेंक देगा ठा के, कूड़ा करकट में पटकेगा ठा के, और कौन से वो बैंक में जमा कराओगा उन बाला ने, उसने बारे फेंकने हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम इनको कहीं काट कर कितने डाल दो, पर हमारा नाम साधना करो, तुम्हारा भी कल्याण और तुम्हारे बच्चों का भी कल्याण। अब फिर क्या बताते हैं, भाई कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गईया, मारी दादी दो क्या करती वही गुड़गांव वाली माता के, और कितर फिर रोहतक वाली माता के निरी माता थी, तो वो क्या बनाती थी कि वो कच्चे पाके पूड़े बना लेती, और पूड़े बनाते हुए देर हो जाती मेरी ताई माँ पहने हुए जल्दी करो ना तुम, तो इन्हें कही कच्चा है कच्चा आण दे, उन्हें पता था कि कुत्ते ने खाना है कौन सी माता खाओ है, तो वो क्या करते हैं जैसे पूड़े बना लिए गुलगुले बना लिए, तो वहाँ कहाँ जाते हैं एक 4 ईंट ला रखी होती है अपने आसपास खेतों में या कि तो बनी में, उसका एक चबूतरा बनाकर वहाँ एक स्थान बना देते हैं माता का, छोटा सा इतनी मड़ी सी बना देते हैं, और वहाँ जाकर के वो पूड़े जो भोजन बना रखा था वो डाल देते हैं, थोड़ा सा जल डाल दें पानी घूट लेगी माई गिल, और वो माता व दादी तो नीचे नहीं उतरती, इतने कुत्ते चढ़ देते और डालते ही कुत्ते टूट के पड़ते उसके ऊपर सारे ने खा जाते, और कुत्ते में एक आदत और बूढ़ी हो से वो खा पी कर चलते हैं मूत के भी उस मंडी पर जाया करे, वो पेशाब भी वहीं करता फिर। तो परमात्मा क्या बताते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया,
उस माता ऊपर कुत्ता मुत है वो क्यों ना मर गईया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप के लठम लठा फिर मुँह गंग पोचैया, जीवित बाप के लठम लठा फिर मुँह गंग पोचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब देखो पिताजी जीवित थे तब उनकी सेवा करते, उनकी आत्मा को सुख देते समय पर संदेश, क्योंकि वैसे तो माता पिता जब तक स्वस्थ हैं उनको किसी के उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा की, उनको प्यार दे राजी बोले और जो उनकी डिमांड हो, छोटी मोटी डिमांड हो, कभी कुर्ता ला दे, को धोती ला दे, बस इतनी सी माँ बाप की, और ज़्यादा नहीं मांगते बेचारे, उनको पता है क्योंकि उनकी सब इच्छाएं लगभग कम होली होती हैं। तो उनको प्यार से ही बोल पड़े, समय पर रोटी दे दे, इतना अर्धमाले बीमार सीमार हो जाए उनकी खूब सेवा करे, ट्रीटमेंट बढ़िया करा उनका। अब जब तो कहते हैं पिताजी जीवित है तब तो सौ सौ बार लड़ाई करेंगे। एक व्यक्ति, ये दास जेल में था, ये झूठे केस में हमें जेल में जाना पड़ा इस संघर्ष के कारण। तो वहाँ एक व्यक्ति आ रहा था, हमने पूछा भाई आप किस केस में आ रहे हो, तो एक और बोला, ने बोला जी इसने अपने बाप मार रखे हैं। मैं कह रहा चाला कर दिया तनते, बाप भी क्यों कर मार दिया रहे। तो वो दूसरे ने बताया, उसके सामने कह रहा था कि इसके पिताजी की पेंशन आया करती और वो बड़े भाई में था और माँ इसकी तरफ, माँ और माता और पिता को इन्हें बांट रखा था, दो भाई हैं ये, कि मैं बाप को अपने पास रखूँगा तू बाप ने। अब माँ को इसलिए रख रहा था कि उसके छोटे छोटे बालक थे, उन वह खिलाफ थी, पाले पोसे थी, वह खेत में काम करें थे, और बाप की आओ थी पेंशन। तो जब तो भाई का जब मैं लाजी अकना बाबू उन तो ले ले, माँ ना मैं लूँगा, बालक खिलवाने हैं। अब वो कहने लगा फिर बाद में कि भी माँ बाबू की आधी, पिताजी की आधी तनख्वाह मुझे, पेंशन मुझे दो। वो बाबू नाइट कहने बोला ना दूँ, तू के बड़ी सेवा करे भाई, अब सेवा कराइयो मैं तो पेंशन इसको दूंगा, ऐसा कुछ उनकी कहा सुनी होगी। तो उसने अपने बाप का सर में लठ मारा और लठ लगते मर गया। तो फिर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, माँ दे किसे कलयुगी बेटे जुलम कर दिया, मुझे नहीं पता था किस लिए मारा इसने। तो वो कहने लगा, वो बोला रत्न जुलम कर दिया, बाप की तरफ तेरा हाथ कैसे उठ गया। वो दूसरा ने बोला यू बताया करा कि इसलिए मारा मैंने बाबू कि माँ की पेंशन हो जाएगी, बाप तो मर गया, मर जाएगा और माँ की पेंशन हो जाएगी, वो पेंशन भी मन्ने मिलेगी और बालक भी मेरे ये खिलाया करेगी। अरे तेरा नाश जाइयो, ओए होए हे भगवान, ऐसे जालिम लोग हो गए बिना ज्ञान के, लालच के अंदर कहाँ तक गिर गया इंसान। काफ़ी देर तक ऐसी उसको तो के कहाँ थे, वहाँ सारे सरपरे इकट्ठे हो जाते हैं, कौन ज्ञान सुने था। बहुत देर तक जी दुखी रहा, हे परमात्मा ओए होए, इस एक बगैर ज्ञान के इस जीव का कितना नेचर गिर गया, कितने नीचता पा गया यू। तो क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल तो लठम लठा और मुँह गंग पहुँचैया, मरे पाछा नहीं होगा गंगा में कल्याण करवा का। और फिर आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, आसोज के महीने में ये गुरुजी कहेंगे देख श्राद्ध निकाल दे रही, देख ऊपर कौआ खा गया, तेरा पिताजी कौआ बन गया। और परमात्मा क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा जी ने हमें ये ज्ञान दिया, जय सतगुरु की संगत करते, ना तो पित्र बनना ना भूत बनना था, ना कोई सरहद निकालना,
और सतलोक में चले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, एक यथार्थ कथा आपको दास सुनाता है। मेरे पूज्य गुरुजी, ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका, ये जो संसारिक जो हमारे चले हुए हैं समुदाय, ब्राह्मण तो नहीं कहते थे, वो पंडित वही होता है ज्ञान से परिचित हो जाता है। विद्वान पुरुष को पंडित कहते, पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावड़ा नजफगढ़ के पास दिल्ली में, वहां के रहने वाले थे। और वो फिर घर त्याग करके हमारे जो तीसरे चौथे दादा गुरुजी थे उनके साथ वो घर त्याग कर चले गए थे, और वहाँ फिर उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया था। तो वो पंडित कहलाए, पंडित चिदानंद जी। अब उनका आश्रम है खरखोदा के पास, गोपालपुर गांव है, उसमें एक आश्रम बना हुआ है, उसमें लिखा पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, क्योंकि वो पंडित थे, उन्होंने वो ऐसी अपनी वो शिक्षा ग्रहण की थी जिस कारण वो पंडित बने। और मेरे गुरुजी ब्राह्मण कुल में जन्म थे, वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से परिचित थे। पंडित कोई जाति से नहीं बनता, जैसे कोई वैद्य होता था चौथा पांचवा दादा किसी का, वो अच्छा वैद्य था और नाड़ी देकर दवाई दे देता था, सबको राहत मिलती थी, वो वैद्य था। फिर उसके वंशजों को भी वैद्य कहने लग गए। अब पांचवीं पीढ़ी मार है जानते को ना पेट के दर्द की दवाई, वो भी नहीं हो गया फलाना राम वैद्य, और वो खुद भी लिखता है, खुद भी अपने सरनेम बना लिया उन्होंने। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैसे सरनेम बना रहे हैं अपना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा को पहचान ले। आप जी ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमने भगवान को पहचान लिया है। तो मेरे गुरुजी जो थे वो 16-17 साल की आयु के थे, खेतों में पाली जाया करते, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति वैसे फीत ब्राह्मण की थी, खेती का काम करते थे पूरा परिवार। सारे गांव पैतावास है दादरी के पास, बड़ा पैतावास, बिहानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर अंदर जा कर के, 1.5 किलोमीटर अंदर जा कर के बड़ा पैतावास एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये विचार सुन लिए, सत्संग सुन लिया हमारे यानी दादा गुरुजी के, एक कोई व्यक्ति था जिससे प्रेरित हुए वो, तो उन्होंने सत्संग सुन लिए भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन कोट जन्म तन बर्मत हो गया, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खर बोरे कौआ अंश बुगा रे। तो वो घर त्यागना चाहा उसने, कि तो बहुत बुंडी बीमारी फंसया, ये तो असंग जन्म हो गए, धंधा करते नहीं तो पीछा छूटे जो बात बने। तो वो सोचते रहे, एक दिन खेतों में पाली जाया करते थे, पहले पढ़ाई कम होया करती थी। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया जाने का, 2 जोड़ी कपड़े ले गया करते, एक पहन रखी थी एक और ले गए। तो शाम के समय वो जो ग्वाले दूसरे पाली थे वो उन्हें कहने लगे, भाई तुम चलो पशुओं को ले चलो, आप कहाँ जा रहे हो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होया हूँ। तो वह पहले वन बहुत होता था खेतों में, बहुत झाड़ वो जड़े बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष नेरे खड़े रहा करते थे, वैसे भी वृक्ष। तो अंदर घुस के, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, काफ़ी दूर अंदर जा कर के कोई पशु, जैसे पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, उसके हाड़ पड़े थे वहाँ पर, वहाँ अपने कपड़े पाड़ के उन हड्डा पर डाल दिए, उन हड्डियों अस्थियों पर डाल दिए आसपास, और स्वयं दूसरे कपड़े बदल कर दूसरी साइड से निकल कर हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ जाकर के वो दीक्षित हो गए, नाम ले लिया हमारे गुरुजी दादा गुरुजी से, उनके साथ रहने लग गए। फिर वो वापस घर पे नहीं गए मुड़ के, फिर बाद में गए जब वो 103-104 साल के 5 वर्ष के हो चुके थे, तब वो दोबारा अपने घर गए, जब ये दास भी साथ गया था, उनको पता लग गया उनके बारे में, फिर मैं पहुँच गया था वहाँ। तो क्या हुआ, फिर हम जब वापस गए, जब पता चला उनकी सारी कहानी का, तो वो क्या हुआ कि
गांव वालों को पता चला भी छोर लड़का नहीं आया, क्या बात होगी। घर वाले सारे चिंतित हुए, पालियों से पूछा भाई तुमने कहाँ छोड़ दिया उसको। कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे जंगल में चला गया। उन्होंने बोला मैं आऊँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ तुम चलो। तो रात्रि के समय लालटन लुटन होया करती, पहले टॉर्च भी ना थी, लालटन जगा करके सारे घूमे घूमे देखा तो वहाँ क्या पाया कि एक वो कपड़े वहाँ फटे हुए उसके और वहाँ पर अस्थि पड़ी। सब ने विचार ला लिया वे बच्चा यहाँ आ गया कि किसी वैसे दूर जंगल में बुरा भूल गया, किसी हिंसक पशु ने खा लिया। अब अंधेरे में फटाफट वो आट भी उठा लिए, वो कपड़े भी उठा लिए और उनको बांध लिया गए ठड़ी सी और सोहा कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। हाहाकार माच गई, फिर उनके तेरहवीं भी हुई, फिर महीने भी बनाए और फिर श्राद्ध निकालने शुरू हो गए। अब ये दास जब पता चला मेरे गुरुजी का कि 1995 में मेरे गुरुजी पंजाब में आश्रम बना हुआ तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, उनके पास हमारे इस दास के जो उन्होंने आदेश दे दिया था इस दास को उपदेश देने का, और इस दास के दो शिष्य उनकी सेवा में भेज रखे थे अपने दादा गुरुजी की सेवा में, उनके दादा गुरुजी शायद, तो वो उनके साथ वहाँ आ गया अपने घर पर। इच्छा बन गई घर जाने की, अगे एक बार देखता हूँ। वो गए थे इसलिए कि चलने की तैयारी होगी और उनका भ्रम रह रहा है, वो भ्रम मिटाया हूँ। तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी यहाँ आ गए हैं और एक हफ्ता डटेंगे तो हम भी पहुँच गए। वहाँ उनकी भाभी जी थी, वो लगभग 95 साल की, 90-92 साल की हो रही थी। तो वहाँ जब गुरुजी पहुँचे, उन्होंने जाते ही अपना घर बता दिया कि यहाँ हमारा घर था, ये मेरे चाचे का घर था, घर है, और ऐसे ऐसे हम इतने भाई थे, ये सारी कहानी बता दी। सारा गांव इकट्ठा हो गया, उनका नाम हरिद्वारी था गांव का नाम, फिर नाम बदल लिया उन्होंने, रामदेवानंद जी महाराज नाम रखा। तो सब कहने लगे हरिद्वारी आ गया ब्राह्मणा का, हरिद्वारी जीव है जीव है। सारा गाँव इकट्ठा हो गया, वो वहाँ रुके हुए थे, ये दास पहुंच गया। तो उनकी भाभी जी से जिक्र हुआ, मैंने उनसे पूछा कि हमारे गुरुदेव जी जब यहाँ से यहाँ नहीं थे तो तुमने पीछे से क्या महसूस किया। वो कहने लगी जी के महसूस किया, मैं जब ब्याही आई मुझे इनके श्राद्ध निकाल दे पाए थे और लगभग 70 श्राद्ध में अपने हाथ काट रही निकाल रखे हैं, और जब भी घर में कोई नुकसान हो जाता, फसल ना होती या भैंस बीमार हो जाती, हम अपने वो ब्राह्मणा के भी और हों से वो ब्राह्मण ठग टाइप के पास, तो वो क्या बताता था कि तुम्हारा हरिद्वारी जो है वो निसंतान मरिया हुआ है और वो तुमने दुख दे है, उसके 500 लत्ते निकाल दो, उसके इतने रुपये धर दो, तुम फसल का चौथा हिस्सा दिया करो मेरे ताई जब उसका अनुष्ठान करूँगा। हम सारा कुछ कराते आ रहे थे और उस ब्राह्मण को हम देते रहते थे जो भी वो बताता था। मैंने उनसे कहा माई अब तो छोड़ दे इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये सब गलत पूजाएं। तो न्यू बोली ना भाई न्यू कैसे छोड़ दें, ये तुम्हारी वो है लाग से पुरानी, ये तुम्हारी परंपरा है, न्यू के छुट्टे से हम कुएं पड़ जाना छुट्टे हैं। और जब आपने आप बता रही है कि इतने झूठे नकली आदमी वह यो हमारे गुरु जी जीवित हैं और वो कह रहे वो मर गए हैं और मरे पास से भूत बनकर तुम हानि कर रहे हैं और वो ये कर रहे कल्याण देश का, कितने जीवों का उद्धार कर दिया इन्होंने उपदेश दे देकर, कते नहीं मानी वा बुढ़िया। अरे तेरा गजब, ये कहते जानबूझ साची तजर करे झूठ तने और ताकि संगते प्रभु सोपन में भी ना दे, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े, ये इसे रंग दिया उल्टे रंग में, इविन से उल्टी साधना छुड़वाए तो बिना छूटती, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वो सारी झूठ थी, वो बकवास करते थे कि वो हरिद्वारी से दह हानि करता है और ये वो परमात्मा की प्यारी आत्मा दुनिया का कल्याण किया करती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और अमरपुरी में यानी सतलोक में तुम्हें स्थान मिलता जहां कोई दुख नहीं। अपने आत्माओं सत्संग प्रारंभ हुआ था
कि मात पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी माँ और सतगुर सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। यानी संत का मिलना, सत्संग का मिलना, ये सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है और वो आपको सुलभ होगी है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं आप नहीं सोच सकते, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही बता सकता है। और आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का रास्ता मिल गया। अब इसमें परमात्मा कहते हैं ये बातें कर्ण सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। और रह रहकर आपको ज्ञान सुना के आपका ये पूरी श्रद्धा परमात्मा बनाई जाएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से हम सभी इस शुभ समागम में एकत्रित हुए। सत्संग की महिमा बहुत ही अनोखी है। जिन पुण्यात्माओं को सत्संग सुलभ होता है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। जैसे तप करते हैं, हजार वर्ष तप किया इतने वर्ष उसको राज्य प्राप्त हो जाता है। राज्य पाकर के फिर वो प्राणी अत्यधिक पाप करता है, अभिमान से भर जाता है, वो भूल जाता है तो एक जीव भी है, अहंकार बहुत हो जाता है, जिस कारण से वो पाप इकट्ठे करके फिर नरक में स्थान प्राप्त करता है। और जिस प्राणी को आधी घड़ी का भी सत्संग मिल गया तो भी कुछ ना कुछ राहत आपको देगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जावे परमात्मा की महिमा, सत्संग थोड़ा बहुत सुना है तो उसका कुछ असर होगा, फिर रुचि बनेगी धीरे धीरे, फिर घंटों सत्संग सुनने की रुचि आपकी बन जाएगी। और सत्संग से ही ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम करने आए क्या थे, इस मनुष्य जीवन को हमने कैसे सफल करना है, तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग इस ब्रह्मांड में, काल के लोक में, इन सभी किस ब्रह्मांडों में सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। उन्हीं के द्वारा उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व आकर के काशी में जुलाहे की भूमिका करके और साथ में एक तत्वदर्शी संत सतगुरु की महिमा की लीला करके उन्होंने सत्संग किया था। वो वचन सत्संग के नोट किए गए थे। उन सत्संग के वचनों को आज ये दास, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उन वचनों को ये दास आपको सुना रहा है और उनके गूढ़ रहस्यों से परिचित करा रहा है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है। किसी को भी आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान का प्रचार ही सत्संग कहलाता है। बाकी तो अपने अपने सट्टे दुनिया मारगी, संगी रागनी बना कर दुनिया को अपने पीछे लगा गया, बहुत बढ़िया बात बताई भाई। अब अनजान व्यक्ति को तो कोई भी थोड़ी बहुत सी हटकर बात बता दे, ज्ञान सुना दे, वो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन सत्संग तो परमात्मा ही आकर बताता है। यही वेद गवाही देते हैं कि परमात्मा अपनी महिमा को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर के बताता है। अब यहाँ प्रसंग एकदम स्ट्राइक करती है ये बात और प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। क्या सत्संग किसी के पास नहीं है, यानी यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं है? हाँ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है,
तो अन्य को कैसे होगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म तो उन्हीं का पुजारी रहा है। अब ये एकदम स्ट्राइक करती है ये बात कि ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा ये समझ गया कि ये रामपाल मेंटल है और ये झूठ बोला नरी। हाँ, जब तक आप प्रमाण नहीं देखोगे तब तक तो ये सोचना आपके लिए अनिवार्य है, और जब आप प्रमाण देख लोगे फिर भी गलत बोलते हो इस दास के विषय में, फिर तुम्हारी भांग का नशा तुम्हारे अंदर है, कुछ तुम होश में नहीं हो। जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी नहीं मानते हैं उनके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तज कर झूठते ने और ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। वो मूड व्यक्ति होते हैं जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानते और फिर भी बकवास करते हैं। प्रमाण के लिए देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित मोटा टाइप के वलिंदी गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर 28 पृष्ठ पर देखिए पहला स्कंद पृष्ठ 28। और ये प्रथम स्कंद नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिता जी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये नारद जी बता रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ये देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी श्री विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।